जवाब दो कि इनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। वालों की बहकी बहकी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। खेलो घुमत वालों की बहकी बहकी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। खेलो घुमत वालों की बहकी बहकी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। क्या क्या जलवे दिखलाता हूँ देखो मेरे संग, इसके नैनों का जादू उसके आंचल का रंग। आ, 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 आ,
क्या क्या जलवे दिखलाता हूँ देखो मेरे संग, इसके नैनों का जादू उसके आंचल का रंग। चली हवा उड़ी घटा लंबी जुल्फों वालों की, चली हवा उड़ी घटा लंबी जुल्फों वालों की। छेड़ो धुम्मत वालों की, बैठी बैठी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। छेड़ो धुम्मत वालों की, बैठी बैठी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। फ्राइडे सैटरडे, छह दिन तक पापड़ बेले तब आया है संडे। लगी रहे सजी रहे ये महफिल गोरे कालों की, लगी रहे सजी रहे ये महफिल गोरे कालों की। छेड़ो धुम्मत वालों की, बैठी बैठी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। छेड़ो धुम्मत वालों की, बैठी बैठी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। छेड़ो धुम्मत वालों की, बैठी बैठी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। छेड़ो धुम्मत वालों की, बैठी बैठी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। बाकी और ज्योति अभी तक पिकनिक से नहीं आए। नहीं आए चढ़ गया ना ममता, होता क्या गड़बड़ हो गया? अभी तक तो आ जाना चाहिए। हाँ चढ़िए जी। डैडी तुम मेरे दाग प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। कई बार मना किया कि कॉलेज की जिंदगी को घर की जिंदगी से टकराने की कोशिश न करो, मगर तुम बात नहीं आती। डैडी क्या ये मौका ऐसी बातें करने का है? वक्त देख करके तो बात किया। वक्त को तुम नहीं देख रही हो, वक्त तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी नादानी पर अफसोस कर रहा है। आज तुमने वक्त की परवाह न की तो कल तुम अफसोस करोगी। मनमानी करने से बाज आ जाओ। इस लड़के से कह दो कि इसे जरा भी शराफत का पास है तो हमारे घर में कभी कदम न रखे। बस राय साहब बस, मैं बहुत सुन चुका आपकी बातें। इंसान अपनी दौलत से नहीं अपने गुणों से पहचाना जाता है और मैंने देख लिया आप कितने गुणवान हैं। खामोश बदतमीज, चुप रहो। अपनी हैसियत से भरकर बातें बनाता है, घरे बार में लूटा कर ये नहीं देखता कि तू कौन है क्या है। मैं गरीब हूँ, लेकिन जो आदमी गरीब की गरीबी देखता है उसकी इंसानियत नहीं देखता। राय साहब वक्त की बेआवाज लाठी एकदम खुद खुद उसकी आंखें खोल देती है और मैं भी इस वक्त का बेचैनी से इंतजार करूंगा। दीपक, ठहरो दीपक। ज्योति, जी आपने बहुत बुरा किया। खराज में मेहमान की ये इज्जत, बिन बुलाए हुए मेहमान की इज्जत ही क्या होती है? मगर उसे मैंने बुलाया था। उसके जाने के बाद आप मुझे डांट सकते थे, मार सकते थे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, लेकिन आपने मेरी इतनी बेइज्जती की कि अब इस घर में रहने को भी जी नहीं चाहता। अनापा, अनापा। जी सर जी, हाय सर जी।
छोटे बाबू को जल्दी बुलाओ, अभी बुला चाहिए। बेवकूफ लड़की, अपने भविष्य का भी ख्याल नहीं कर। अनप्पा के बच्चे ने मुझे देख लिया। अच्छा, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, वो जा रहा है। तुम नहीं ठहरो, मैं अभी आया। मैं नहीं मान सकता कि बाकी आशा को साथ लेकर आया है। तुम झूठ बोल रहे हो अनप्पा। कहाँ है आशा, कहाँ है बाकी? अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा अनप्पा। अनप्पा, अरे अनप्पा, रामा के बच्चे। अनप्पा, अनापा, अरे कहाँ मर गया अनापा का बच्चा? बोल, मैं इधर हूँ। इधर आइए। बांके कहाँ है? तब बोल, बांके नहीं है। तुम इधर आए कहिए, जुड्डा बोलेगा। बोलता है कि नहीं, ये बांके नहीं है। आशा कहाँ है? बोल बोल, आशा भी नहीं है, आधा भी नहीं। जड़िए सुन, अगर आपके बोला ना कुछ जाके उधर, तो एक ही घूस में तीन पतली खसकाऊंगा जगह पे से, समझा ना? खसा की बात से डैडी, आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बेटा बांके, अनप्पा कह रहा था कि तुम्हारे साथ आशा भी आई है। वो तो बिल्कुल गधा है, मैं तो निराशा ही का मुंह देख रहा हूँ। आशा को देखे हुए 364 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ो तो साल पूरा होता है। शाबाश बेटा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मगर बेटा, उस नालायक ज्योति को भी समझाओ, मैं उस लड़के को अपने घर में देखना पसंद नहीं करता। बात यह है पिताजी कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं। मगर बेटा, मैं ज्योति का रिश्ता तय कर चुका हूँ। तय कर चुका हूँ कहाँ? एक ऐसे लड़के के साथ जिसे मैंने बचपन में देखा था। मगर वो तो आपकी तरह बुड्ढा हो गया होगा। बेटा, तू समझा नहीं, मैं लड़के का जिक्र कर रहा हूँ जो 15 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था। तो ये 15 साल पहले का रिश्ता है? रिश्ता नहीं, दुश्मनी। मगर मैं उस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना चाहता हूँ। डैडी, ये दुश्मनी दोस्ती वाली तरकीब जरा डिटेल में समझाइए तो कुछ समझ में आए, वैसे अपने पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है। आज से 15 साल पहले जब हम लोग अपने शहर बनारस में रहते थे, मेरे दफ्तर में एक नीम काम करता था जो बहुत ईमानदार, मेहनती और वफादार नौकर था। मगर उसकी बरसों की वफादारी पर मेरे हाथों पानी फिर गया। मैंने अपने गुनाह का इल्जाम उस पर डाल दिया और वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। हीरालाल का मुनीम द्वारका नाथ, किसका नाम है? गिरफ्तार करने से जी, मेरी बात क्यों कहो जी? मेरा मतलब से डैडी, फिर वो शरीफ आदमी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। उसने फैसला कर लिया कि इस बेइज्जती की जिंदगी से मौत बेहतर है, लिहाजा उसने अपने हाथों अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। सुन लिया बेटा? उसके बाद हम लोग बंबई आ गए और यहां आने के बाद मैं सेठीरा लाल से राय बहादुर बन गया। मगर मन को शांति नहीं। अब सुना है कि मुनीम के दोनों लड़के भी बंबई आ गए। मैंने पुरोहित जी से कहा कि जल्द से जल्द उनका पता लगाएं। डैडी, आप चिंता ना करें, ज्योति को मैं समझाता हूं। दीपक, आज से मैं तुम्हारी भाभी नहीं। क्यों भाभी? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे बगैर भाभी खाना कैसे खाएगी? भारती के गले से निवाला कैसे उतरेगा? सुबह से जो गायब हुए हो तो दिया जले घर वापस आए हो। अब तो माफ कर दूं भाभी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तो माफ भी कर दूंगी भैया, लेकिन वो भारती तो ऐसी रूठी हुई है कि तुमसे बात तक नहीं करेगी। बस तुम एक दफा माफ कर दो, भारती को मैं यूं मना लूंगा। अच्छा, तो जाओ मनाओ, वो कभी नहीं मानेगी, बात तक नहीं करेगी। तुम देखो तो सही। भारती, ओ भारती। आज बेटी रूठ गई हमसे, है ना?
अगली में तो तेरे ही काम से गया था। जानती हो कहां गया था? नहीं जानती। नहीं जानती तो क्या बोलती मुझे रोज लाने के लिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा बाबा कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अभी चाचा को मत बोलना कि मुझे सोने की चूड़ियां चाहिए। सुन लिया? जाता हूँ। चूड़ियां लाने गए थे? नहीं तो क्या गुल्ली डंडा खेलने गए थे? चूड़ियां कहाँ है? अभी थोड़ा मेरे पास चूड़ियां, अभी तो बेटे बनने को दिए, वो बना के देगा तो फिर हम लाके तुमको पहना देंगे इधर हाथ में। कितनी सी चूड़ियां? अच्छा अच्छा मुँह खोलो। शाबाश, अभी चाचा को पूछू मैं। अरे वाह वाह वाह, चलो तो चाचा क्या घोड़ा है? ले बाबा घोड़ा है तो बैठ जा। शाबाश, अरे वाह, चलो भाभी। अरे भाभी इधर तो आओ, ये देख लो। अरे ये क्या क्यूरी, तू तो कहती थी चाचा से जिंदगी भर बात नहीं करेगी, इतनी जल्दी सुलह कैसे हो गई? मामा चाचा मेरी चूड़ियां लेने गए थे, इसे देर हो गई। अच्छा चाचा ने चूड़ियों का नाम लिया और तूने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। भाभी तुम भी अपना गुस्सा छोड़ दो, ये लो चॉकलेट मुँह मीठा करो। रहने दो भैया, मैंने नहीं मैंने। कितना खुश नसीब है वो इंसान जो दिन भर की मेहनत के बाद घर वापस आए, घर वालों की हंसी उसका स्वागत। बाबा बाबा चाचा मेरी चूड़ियां लाएंगे। अरे पगली, चाचा को वकील बन जाने दे, फिर चूड़ियां तो क्या तुझे सर से पैर तक सोने से पीला कर देंगे। अच्छा अब आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाने लगाती हूँ, फिर भाती चल। लव ही मेरे भैया, आपकी कमीज की ये हालत अपनी हालत से मिलती जुलती, पर आप नहीं कमी बनवाते, ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तन तो ढांप रही है, वक्त का साथ तो दे रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है दीपक, वरना घर का खर्च, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, बीमारी, दवा दारू, कपड़ा लगता। वो सब ठीक है भैया, फिर आप मेरे लिए ऐसे कपड़े क्यों बनवाते हैं? मेरे लिए कितनी शर्म की बात है, मेरा बड़ा भाई तो ऐसे कपड़े पहने और मैं साफ बन के घूमता रहूं। सुनो दीपक, जिसे दो वक्त की रोटी इज्जत के साथ मिल जाए, उससे बढ़कर इज्जतदार आदमी दुनिया में कोई नहीं। भगवान भला करे सेठ दीनदयाल जी का, इतना बड़ा सजा सजाया घर हमें मुफ्त रहने को दे दिया है, वरना अपना क्या है, रोज कुआं खोदो और पानी पियो। वो तो शाबाश है तुम्हारी भाभी को, घर में दो बूंद पानी आता है और किसी को प्यासा नहीं रहने देती। भला ऐसी हालत में मैं नई कमीज कहां से लाऊं? भैया एक बात कहूं, जिस आदमी हमारे पिताजी की दोस्ती की खातिर, क्या वो 200-400 रुपए से हमारी मदद नहीं कर सकता? आप उससे क्यों नहीं पूछते? नहीं दीपक, मैं उनके अंदरूनी हालत को अच्छी तरह जानता हूं, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। मैं नहीं मानता, उनके पास नौकर है, चाकर है, मोटर है, बंगला है, क्या नहीं उनके पास, सब कुछ तो है। किसी की मोटर कार को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो सुखी है, अंदर ही अंदर वो हजार चिंताओं में, हजार मुसीबतों में घिरा हुआ होता है। अब कल ही की बात है, सेठ दीनदयाल जी को 2500 रुपए की हुंडी भरनी थी, सारा दिन मोटर लेकर घूमते रहे, कहीं इंतजाम ना हो सका। भगवान सबकी इज्जत रखे, किसी की बंद मुट्ठी खोलना अच्छा नहीं होता। एक ही चपाती। चपाती के साथ चावल भी तो है। एक रोटी और दो, दोना। मैं देता हूँ, अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। आप रहने दीजिए, मैं देती, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। भाभी दूसरों की भूख का इतना ख्याल रखो और खुद भूखी रहो, ये मुझे पसंद नहीं। ये वाला क्यों छोड़ दिया भैया? कुछ नहीं भाभी, बस यही सोचता हूँ कि आखिर हम लोग इतने लाचार क्यों हैं? क्या हमारे जीवन में इतना भी आनंद नहीं कि हम पेट भर खाना खा सकें? भैया क्या तुम ये समझते हो कि आनंद उन घरों में है जिन घरों में अनाज के ढेर हैं, मगर कोई क्लब में, कोई होटल में और कोई आधी रात को घर आके खाना खाते? नहीं भैया, वो घर घर नहीं, मुसाफिर खाना है,
सच्चा घर तो वो है जहां सब लोग एक छत के नीचे एक दूसरे से मिलकर रूखा सूखा जैसा भी मिलता है हंसी खुशी से खाते। सच्चा घर तो हमारा है, सच्चा आनंद तो हमारे घर में है भैया। उठाने वाला खाओ दीपक। लिखा, अरे खाओ लिखा। सच में जुमा, तुम तो बातों से पेट भर देती हो, तुम्हें तो दरअसल फूड मिनिस्टर बनना चाहिए था। चिंता न कीजिए, अगले जन्म में आप प्राइम मिनिस्टर और मैं फूड मिनिस्टर बन जाऊंगी। और ये भी लिख दीजिए कि हम ऐसी पढ़ाई से बाज आए, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और यहाँ आकर मेरे साथ मिलकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दो। लिख दो बाबूजी, लिख दो। क्यों बाबूजी, कदम काहे को रख दिया? कुछ नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है ना? हाँ बाबूजी, मगर बड़े भाई के नाक में दम कर रखा है। कभी फीस, कभी किताबें, कभी कपड़े, कभी ये कभी वो, ऐसी पढ़ाई को दूर से प्रणाम है बाबूजी। मैं तो तंग आ गया हूँ, अब मैं नहीं पढ़ाना चाहता। देखो भैया, पढ़ाई एक ऐसा कुआं है जिसका पानी बहुत गहराई में होता है, जब तक जमीन को उस गहराई तक नहीं खोदोगे पानी कैसे निकलेगा? मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी पर जिंदगी भर प्यास तो बुझती रहेगी। मेरी बात मानो, तुम हर महीने अपने भाई को जो पैसे भेजते हो हर हालत में भेजते रहो, आखिर बड़े भाई हो ना, बड़ा भाई तो बाप के समान होता है। वाह बाबूजी वाह, क्या पते की बात कही है, हम तो रास्ता भटक गए थे बाबूजी। अब चिट्ठी विट्ठी लिखना छोड़िए, लीजिए जल्दी से 20 रुपए भेज दीजिए। हाँ, पैसे भी रखो, मैं फॉर्म भरे देता हूँ। भाभी मेरे कपड़े कब तक मिल जाएंगे? कल तक सब दे दूंगी बहन। अच्छा, कल पैसे भी चुका देंगी भाभी? कोई बात नहीं। लड़की कितनी परेशान कर रहे हैं। मैं जानती हूँ बेटा, ये सब शरारत पड़ोसन मेनका बहन की है। शौक तो कहीं दूर जाकर गाओ, तुम्हारे गाने की वजह से दीपक भैया नहीं पढ़ सकते। वो पढ़ क्यों रहे हैं, उनसे गाओ वो भी गाना गाए। बुलाओ बुलाओ। अच्छा तो तुम लोग नहीं मानोगे, ठहरो मैं एक एक की खबर लेती हूँ। शंकर बेचू, जाओ जाओ जरा सामने तो आओ, चलिए चुप चुप चलने में क्या राज है। यूं चुप देखो, मैं एक एक कुमारू भैया, ये लकड़ी से एक एक कुमारू भैया बन जाएगा। छोड़ लकड़ी, मैं कहती हूँ क्यों छोड़े? शंकर मैं मारूंगी। हाँ छोड़ दे लकड़ी। शंकर शंकर अभी सर खोल लिया ना अपना, भारती जल्दी पानी ला बेटा। क्या हुआ? शंकर कब से भूल गया?
शंकर कहाँ है? शंकर बता किसने मारा? भाभी ने। भाभी ने? बच्चे के हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन उस्ताद जी, मैं और बच्चे पर हाथ उठाऊं, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी सीधी बातें सुनना नहीं चाहता। शंकर कह रहा है ये सब बच्चे भी कह रहे हैं, अगर मैं भी तुम्हें सीधा हाथ रख दूं तो तुम्हारी बच्ची सी बाहर ही पड़े। मार दू मेरे दीवार को मारने के लिए मेरी नाक पर से जाना पड़ेगा। अभी तुम हट जाना, तुम्हारा मैं तुम हट जाओ। अपन तो हमेशा मौके से आते हैं प्यारे। चल चाय पियो। नहीं यार, मैं जरा ज्यादा गर्म हो गया हूँ, इसलिए जाके ठंडे ही पीऊंगा। तो चाहे ठंडा मौका के दे। नहीं यार, अपना जरा मूड खराब हो गया है, ये उस्तादों ने आते ही जलवा गलत दिखा दिया, फिर कभी ना। ओके तो आना जरूर है। जरूर। क्या बात है भाभी? दीपक, तुम्हारे इम्तिहान के दिन नजदीक आ रहे हैं। एक एक पल एक एक साल के बराबर है। अब तो तुम्हें हॉस्टल जाकर ही पढ़ना पड़ेगा भैया। भाभी, लेकिन हॉस्टल जाने के लिए कम से कम 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया? क्या सोच रही है? सोच रही हूँ जिन सपनों के महल की दीवारें खड़ी हो गई हों, वो महल अगर 100 रुपए में तैयार हो जाए तो कुछ महंगा नहीं। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन 100 रुपए आएगा कहां से? एक ही जगह है मेरी नजर में, लेकिन इज्जत से डरती हूं। किसी के आगे हाथ जुड़े फैलाया आज तक। भाभी, मैं पढ़ाई छोड़कर मजदूर हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा, तुम्हारा सर नहीं झुकने दूंगा किसी के सामने। तुम चिंता न करो दीपक, ये सर भगवान के और तुम्हारे भैया के सिवा आज तक किसी के आगे नहीं झुका और न कभी झुकेगा। तुम भगवान को भरोसा रखो और जाने की तैयारी करो। जाओ दीपक, जाओ बेटे। सौ रुपए? क्या बात कर रही है भाभी, पांच की बात करो, दस की बात करो, बहुत हिम्मत हो तो 20 तक की बात कर लो। 100 रुपए गिनने भी आते हैं भाभी? 100 रुपए तो क्या लाला जी, अब तो 1000 रुपए गिनने का वक्त आ गया है। अच्छा, तो क्या घर में कोई खजाना निकलने वाला है? नहीं, खजाना निकलने वाला तो नहीं है, खजाना आने वाला है। एक महल खड़ा कर रही हूँ लाला जी, जिसकी आमदनी से पाई पाई चुका दूंगी। महल की बात सुन के भाभी
मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं 100 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मगर हर महीने ब्याज मिल जाना चाहिए। हाँ आप विश्वास रखिए, हर महीने घर बैठे ब्याज आ जाया करेगा। अच्छा आओ आओ भाभी आओ, तुम्हें गिनने में तकलीफ ना हो इसलिए 100 का एक ही नोट देता हूँ। ठहरो भाभी ठहरो, जरा इससे दखल तो कर दे। मैं 100 ही लिखूंगा, अभी जो भी लिखना बाद में लिख लूंगा, घबराना नहीं। ये बात हुई, अब 1000 की जरूरत पड़े फिर आ जाना। पिताजी पिताजी, ये तुमने क्या किया? भूल गए उस दिन भाभी ने मेरी मोहल्ले वालों के सामने कितनी बेइज्जती की थी? मैं तो उससे बदला लेना चाहती हूँ और तुमने उसे 100 रुपए कर्जा दे दिया। अरे पगली, ये 100 रुपया नहीं, ये 100 बिच्छू है बिच्छू। जितने ये काटेंगे पानी नहीं मांगने देंगे। भाभी ने सिर्फ मोहल्ले वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है ना, मैं उनकी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। इसीलिए मेरा कलेजा ठंडा हो रहा, चलिए खाना खा ले। अरे कभी तो आराम कर, आराम कर, तुम मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तू मेरी बात सुनी था। बैठ बैठ बैठ, अरे हाँ सुन तो सही। देखता मैं तुम्हें बोल देता हूँ, मेरे पढ़ाई का वक्त है, तू यहाँ से चला जा। वी मंजिल को तुम्हें सक्का राम सख्या हरी। अच्छा बाबा सख्या हरी, अभी जाना। नहीं नहीं मैं तेरे फायदे की, जब फायदे की बोल सकता, मुझे गोश्त वोश्त नहीं मांगता, तू जाना यहाँ से। अरे क्या तू माला पाई ना? अरे तुम क्या पाई, मैं क्या करूँ बाबा, जाना यहाँ। वी मंजिल को, अच्छा मेरे चाचा बोल क्या बोलने का। अरे ही काय किता वाचतो, मी तुला 52 पत्त्याचं पुस्तक वाचल देतो वाच। रमी खेळल्याशिवाय आयुष्याचं कल्याण होत नाही। आता कल्याण करताय ना, मैं वाटतो मैं वाटतो ना। अच्छा वाट वाट, ये देख काय केलं तू। ये काय केला, जसा ये केला ना असा तुम्ही उचकून करून टाकू। मी म्हणजे कोण? तुम्ही म्हणजे शकार। अरे तू नाही, अरे आई मी दुसरीकडे जाऊन खेळतो। अरे खेळ, अरे मला झोप येत नाही रमी खेळायचं। झोप येत नाही तर मॅच करतो। अरे मला जेवण जात नाही। अरे माझ्या रमी खेळा, अरे माझा आई चल भाग जा। माझ्या रमीचा सध्या नाश केला, अरे काय वेळा मनुष्य, पण मी तुला परत समजावी। तुम्हें बोला नहीं जाने के लिए माजा ऐक रे ऐक रे का ऐक रे रवि खेत है, मैं तुला समझाऊन सांगतो समझाऊन सांगतो। मैं तुम्हें बोला चले जाना, मैं दांत निकाल दूंगा तेरे। मेरी दांत मी म्हणजे कोण? माझा अपमान करतो काय? बर बघू मी तुला। ज्योति तुम, मैंने तो सुना था कि जनाब आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन देख रही हूँ कि लठबाजी सीख रहे हैं। अरे बहुत तो अच्छा हुआ तुम्हारा सर बच गया। हो जाता तो अच्छा होता, पिताजी ने तुम्हारा अपमान किया था, उसकी सजा तो मिल जाती। ज्योति गरीब का मान क्या और अपमान क्या, और फिर कसूर तो मेरा है जिसने एक ऊंची हवेली के सामने अपना झोंपड़ा बांधने की कोशिश की। मुझे झोपड़ा ज्यादा पसंद है। चलो बैठ। चाय की खुशबू आ रही है, क्या चाय खुद ही बनाते हो? हाँ। दीपक कितनी बुरी बात है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। तो क्या हुआ, मैं गरीब जो हूँ और गरीब तो सभी काम खुद ही किया करते हैं। मेरी भाभी को देखो ना,
क्या कुछ नहीं करती बेचारी। शायद मेरे लिए मेरी मां भी इतना न कर पाती। भगवान करे उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। और ज्योति, फिर एक दिन ऐसा आए कि मैं अपनी भाभी के सारे दुख मिटा दूं। दीपक, तुम्हारी चाय। ओ, मैं लेके आता हूं तुम्हारे लिए। चाय पीने का मजा तो बस गिलास में है, आखिरी घूंट तक गर्म रहती है ये। लेकिन मुझे गिलास में पीने की आदत नहीं है दीपक, मुझे कप दे दो। पगली, जब गरीब से नाता जोड़ा है तो उसकी तरह रहना भी सीखो। एक दफा गिलास में पी लोगी ना, फिर कप का नाम नहीं लोगी। एक दफा पी थी तो खूब जल गए थे। लेकिन बाबा, ये ज्यादा गर्म भी नहीं और इसमें दूध भी ज्यादा है। तुमको तो मालूम है दीपक कि मैं चाय में दूध कम पीती हूँ। तो आज अगर ज्यादा दूध वाली चाय पी लोगी तो कुछ हर्ज हो जाएगा। वो मुझे दो। ये लो। नहीं नहीं, वो मुझे दो। मैं कहता हूँ ज्योति। मैं कहती हूँ कब दो मुझे। ज्योति जिद नहीं किया करते, तुम ये खेलो। नहीं बस वो भी ले। बस अब तो मैंने झूठी कर दी। तब तो मैं जरूर पीऊंगी और छीन कर पीऊंगी। लाओ मुझे दो। नहीं ज्योति प्लीज, मुझे दो। तुम अपनी चाय। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय गिर जाए। गिर जाने दो। कब गिर जाए। ये क्या दीपक, चाय के बदले पानी? तुम अपने गरीबी पर पर्दा डालना चाहते थे, वो भी मेरे सामने। दीपक, मुझे गरीबी ही पसंद है। गरीबी में शराफत है, सच्चाई है और इंसानियत है। दीपक, तुम्हें रुपयों की जरूरत होती है, तुम मुझसे क्यों नहीं कहते? लो, ये रुपया रख। ज्योति, अगर तुम ये समझती हो कि दीपक पैसे से खरीदा जा सकता है तो तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूं ज्योति, रुपयों का नहीं। रख लो। दीपक, इतनी खुददारी बहुत कम इंसानों में पाई जाती। तुम्हारी इन बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। लो चाय पी लो। पहले तुम पियो। तुम्हें मेरी सौगंध। आज शहर के लिए चलोगे ना? ज्योति, मजबूर ना करो तो अच्छा है। क्या किसी के दिल की मजबूरी भी ना देखोगे? आज पूनम की रात है, नदी किनारे सैकड़ों प्रेमी होंगे। क्या क्या हम वहां ना होंगे? चलोगे ना दीपक? अब तुझे नाराज भी कैसे कर सकता हूं ज्योति। थैंक यू दीपक।
ये हवा ये नदी का किनारा चांद तारों का रंगी इशारा कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कौन ये समा मिलेगा फिर न दोबारा ये हवा ये नदी का किनारा हो सके तो प्यार कर ये समा मिलेगा फिर न दोबारा ये हवा ये नदी का किनारा आज तुमने रवा मंगवाया था मेरी दुकान से? हाँ सेठ जी, थोड़ा सा हलवा बनाना था। खूब हलवा पूरी उड़ाओ, पैसे थोड़ा ही देने हैं। दो महीने हो गए, मेरा पैसा कब चुकाओगी? ऐसा बोलिए सेठ जी, पैसे ही लेने हैं, इज्जत तो न लीजिए, पैसे आते ही पाई पाई चुका दूंगी। तुम चुकाओगी अगले जन्म में, खबरदार। अब कोई चीज लेने के लिए भी मेरी दुकान तो मत आना और न किसी को भेजना। नाराज न होइए सेठ जी, मेरे पास कुछ सिलाई के रुपए हैं, सब आप ले लीजिए। सिर्फ 5 रुपए में टरकाना चाहती हो? इन्हें रखो अपने पास। क्यों सेठ जी, अनाज के बदले में इज्जत लेने का व्यापार कब से शुरू किया? तो इज्जत संभाल कर रखो और मेरे पैसे मुझे चुका दो, आखिर लेना देना कैसे चलेगा? कान खोल कर सुनिए सेठ जी, व्यापार के तराजू में अनाज तोला जाता है, दूसरों की इज्जत नहीं। लेकिन आप इस तरह नाराज क्यों हो रहे हैं? आखिर अपना पैसा मांगना भी कोई गुनाह है? दुनिया में गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। रात की नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाने तक रुक जाएगी, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। कैलाश बाबू, समझ लीजिए कि नौकरी मिल गई। अरे भाई, मुझे एक बही खाता लिखने वाले की जरूरत है, ये काम आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? मैं जरूर करूंगा। तो बस ठीक है, रात को 9 बजे आ जाया करो और सिर्फ 2 बजे तक लिख कर चले जाया करो। लेना देना काम देखने के बाद मुझ पर छोड़ दो। मुझे मंजूर है। तो बस कल से बराबर आ जाना। अब आप रात को भी काम करेंगे? दिन भर अर्जियां लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं, कमर टूट जाती है, दिमाग परेशान रहता है, ये एक नई परेशानी क्यों? इसलिए कि घर की औरत पर जो जिम्मेदारियां होती उन पर उससे कहीं ज्यादा बोझ है। तुम रात को जागती हो, दूसरों के कपड़े सीती हो, हमारे घर में दिया नहीं जलता, मेरा दिल जलता है। तुम्हारे हाथ में पकड़ी हुई सुई कपड़े में नहीं जाती, मेरे सीने के आर पार हो जाती है। दिल में दर्द उठता है तो दबा लेता हूं, आंखों में आंसू आते हैं तो पी जाता हूं। बस कीजिए, आपके आंसू मेरी आंखों में आ गए।
तुम कहाँ जा रही थी माँ? दीपक के पास, ये हलवा लेकर जाऊ ना। हाँ जाओ। शेरजी। हाँ हाँ बोल। हमारे मुल्क का सगे वाला आ गई शेरजी, हम राजा बनते शेरजी। भाई रजा की बात तो तू छोटे बाबू से कर। हमारे शेरजी, हम छोटे बाबू से नहीं बोलेंगे, छोटे बाबू से बोलेंगे, हमको सीधे गेट के बाहर धक्का दे के एकदम निकाल देंगे शेरजी, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा मैं बोल दूंगा। हाँ तुझे कितने दिन की रजा चाहिए? नापा? अरे बोलता क्यों नहीं, बोल। अरे बोल अनापा। अरे भी शर्मा नहीं, बोल बोल बोल, क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ नापा? ये हाँ तो तंबाकू मुंह के अंदर आ गई जी, नाक का तंबाकू नहीं है। हाँ, हाँ, वो नासिक नहीं खाता है, वो नाक के अंदर का तंबाकू एकदम मुंह के अंदर आ गई जी, इसलिए नहीं बोला जी। अभी भी मुंह के अंदर आ गई जी। अच्छा 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 अच्छा। तुझे कितने दिन की रजा चाहिए? जी दो दिन का होता है जी। अच्छा अच्छा मैं छोटे बाबू से बोल दूंगा, ये तेरी काफी ले और मेरे लिए एक चाय बना ला। हाँ ले ले ले। अच्छा सर जी अभी भी लाएंगे सर जी। अभी लाएंगे। जनाब अभी तक पढ़ रहे हैं और मैं वहाँ इंतजार कर रही थी, चलोगे नहीं? कहाँ चलना है दीदी? अरे तुम भूल गए, कल हम दोनों में बात हुई थी कि पिक्चर चलेंगे। तुम अकेली चली जाओ, मेरा कल इम्तिहान है। ओहो इम्तिहान 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 इम्तिहान, कितनी चिंता है और मेरा कुछ ख्याल नहीं। मैं वहाँ सारी सहेलियों को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगी। तो अब ऐसा करो कि मुझे छोड़ के फिर अपनी सहेलियों के पास चली जाओ। मजाक मत करो दीपक, चलो उठो, अब चलो उठो। ज्योति जरा समझने की कोशिश करो, मेरा इम्तिहान है कल। तो तुम नहीं चलोगे? अर्घ नहीं जा सकता मैं। बहुत अच्छा, तुमने मेरे प्यार की खूब कदर की है दीपक। ज्योति मेरा ही कसूर है दीपक, मैं खुद तुम्हारी नजरों से गिरी, खुद जलील हुई, दिल के हाथों मजबूर जो थी, लाचार जो थी। ऐसा ना कहो ज्योति, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ दीपक, जिसने तुम्हारे लिए अपने पिताजी की अच्छी बुरी बातें सुनी, क्या उसका दिल भी नहीं रख सकते, उसकी छोटी सी तमन्ना भी पूरी नहीं कर सकते? मैं लाचार हूँ ज्योति, मैं नहीं जा सकता। हाँ दीपक ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी, कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। आने में जरा देर लगेगी। कोई चिंता की बात तो नहीं है डॉक्टर? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप जाके आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो। थैंक यू डॉक्टर। कब आएंगे? बस आते ही होंगे, आज बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं माँ मैं नहीं सोऊंगी, अभी पिताजी भी नहीं आए और तुम भी जाग रही हो, मुझे नींद कैसे आएगी माँ? भारती अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बेटा, चलो सो जाओ। नहीं माँ मैं नहीं सोऊंगी। अरे
तू जिद नहीं छोड़ेगी, अपनी माँ का कहना भी नहीं मानेगी? नहीं माँ। भारती, भारती, सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। तो है इंडिया पुकारे, परियों के देश तो है इंडिया पुकारे, देख रहे राह तेरे चंदा सितारे, देख रहे राह तेरे चंदा सितारे, झूम रही अखियों में निंदिया दीवानी, झूम रही, झूम रही अखियों में पत्तियों का जादू ना डालना। सोचा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सोचा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। जल्दी जो जागे, जल्दी जो सोए और जल्दी जो जागे, जीवन की दौड़ में वो सबसे रहे आगे, जीवन की दौड़ में वो सबसे रहे आगे, प्यारा है बच्चा वही कहना जो माने, प्यारा है, प्यारा है बच्चा वही कहना चुक चुके झूले सोने के पालना। सोचा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सोचा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सबकी गाड़ी चले जिनके सहारे, हम सबकी गाड़ी चले जिनके सहारे, देख तुझे दुनिया का दुख भूल जाए, देख तुझे दुनिया का दुख भूल जाए। गोरी गोरी भैया गले बाबा के डालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। यहाँ आओ दीपक,
मेरे पास आ। दीपक यहाँ आओ, दीपक मेरे पास आओ। इस वक्त किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ दो मिनट ठहरूंगा डॉक्टर साहब। वेरी सॉरी। प्लीज अलाउ मी। अभी उनके भाई साहब और पिताजी दोनों आए थे, उन्हें भी वापस जाना पड़ा। कल सुबह आइए प्लीज। थैंक यू। पास अपने अरमानों की लाश लेकर आया। आप मेरे लिए भगवान हैं प्रिंसिपल साहब। मेरे अरमानों को जिंदा कर दीजिए। क्या बात है दीपक? प्रिंसिपल साहब मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ, सिर्फ आज लेट आया। मेरी मदद कर दीजिए। जो आदमी आप अपनी मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद भगवान भी नहीं करता दीपक। अब तो तुम्हारा एक साल बर्बाद हो गया। एक साल नहीं प्रिंसिपल साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा छोटा सा कुंबा तबाह हो जाएगा, मेरे भाभी और भाई के सपनों का महल गिरकर चूर चूर हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब थोड़ी देर के लिए कॉलेज के कानून को तब्दील कर डालिए। दीपक, कॉलेज का कानून उन बेसुलटों के लिए नहीं बदला जा सकता जिनको काम नहीं नींद प्यारी है। जाओ और जिंदगी भर सोते रहो। तुम वकील बन जाओ, मेरी ये फटी हुई कमीज विलायती सूट में तब्दील हो जाएगी। सोच रही हूं जिन सपनों के महल की दीवारें खड़ी हो गई हैं, वो महल अगर 100 रुपए में तैयार हो जाए तो कुछ महंगा नहीं। Thank you.
अब फिर मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाई ये सब क्या हो रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ, सच पूछे तो मैं अपने आप को भूल गई। ऐसा मालूम होता है दीपक को वकील के रूप में देखकर तुम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाओ। सुनिए, हॉस्टल जाके दीपक के इम्तिहान का पता चलाना चाहिए, चलिएगा? हाँ, जरूर, चलो चलिए। दीपक, 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 अरे कहाँ चला गया दीपक? अरे कहाँ चला गया? क्या? सुनो भैया, हम दीपक बाबू से मिलना चाहते हैं। दीपक बाबू तो क्या बात? दीपक बाबू इम्तिहान नहीं दे सके। इम्तिहान नहीं दे सके? क्यों, किस लिए? वो सो गए थे, वक्त पर पहुंच नहीं सके। सो गए? दीपक सो गया था, तैयार हो जाने पर आज गिरकर चूर चूर हो गया। सपनों का महल चूर चूर हो गया तो क्या हुआ? हमें चट्टान की तरह मजबूती से अपने पांव पर खड़े रहना चाहिए, महल फिर तैयार हो जाएगा। वो समय आने तक मैं जिंदा भी रह सकूंगी या नहीं, ये सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी हिम्मत हार गई। अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? अगर भगवान के डर से कवैया पतवार छोड़ दे तो कश्ती को कौन किनारे लगा सकता है? बताओ, तुम बताओ। उठो, हमें दीपक को ढूंढना चाहिए, मुझे डर है कहीं कोई नादानी होकर बैठे। भारती, भारती, तेरे चाचा घर आए थे बेटा? हाँ माँ, चाचा आए थे और मुझे प्यार करके बहुत रोने लगे और ये चिट्ठी दे गए। चिट्ठी दे गए? देखिए तो।
पूज्य भैया भाभी, मैंने आपके सपनों का महल चूर चूर कर दिया। अब मुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरा कहा सुना माफ कर दीजिए। आखिरी प्रणाम। ये क्या पागलपन है, अब कहाँ ढूंढे उसे? ढूंढने की जरूरत नहीं, ताके लाल जी ले आए हैं। बुद्धू आदमी जान देने चला गया था, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना तो भाई ने इस दुनिया से टिकट कटा ही दिया था। मैं जरा हॉस्टल जाके इसका सामान ले आता हूँ, आप जरा ध्यान रखना, भाई ने दरवाजा खुला रख दिया है, कोई काम दिखा जाएगा। मैं आप लोगों को उन्हें दिखाने के काबिल नहीं था, अब सवाए मौत के मेरा कोई सहारा नहीं भैया। अगले डूबते को तो तिनके का सहारा काफी होता है, और फिर ईश्वर रखे तेरे सर पर तेरे बड़े भाई ही, तेरी भाभी की सारी दुआएं तेरे साथ हैं। दीपक दीपक, कभी उस चींटी को देखा है जो अनाज का दाना मुंह में लेकर दीवार पर चढ़ती है? चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिर जाती है। फिर तू तो इंसान है, एक बार ही गिर के थक गया? फिर कोशिश कर भैया, जरूर पास हो जाएगा। कोशिश का सवाल नहीं भैया, मैं भी पास हो सकता हूँ, मैं भी इम्तिहान दे सकता हूँ, लेकिन सवाल है तो सिर्फ 300 रुपए का। अगर आज 300 रुपए होते तो मैं दिल्ली चला जाता, मैं वहां जाके इम्तिहान देता, मैं जरूर पास हो सकता हूँ भैया। 300 रुपए? आप चिंता न कीजिए, मैं कोई इंतजाम करती हूँ, तुम जाने की तैयारी करो दीपक। लाला जी, मैं सब कुछ सुन चुका सेठानी जी। एक कहावत है, अगर हंडिया का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। 100 रुपए क्या दे दिए, फिर चली आई हाथ फैला के। सोच क्या रही हो? तुमने बहुत कुछ कह दिया है लाला जी, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरी किस्मत का है। मैं जानती किसी के आगे हाथ फैलाने से बढ़कर दुनिया में कोई अपमान नहीं। तुम मेरा हाथ न देखो, मेरी मजबूरी देखो, जिसने मेरे आगे हाथ फैला रखा है। पैसा अंधा होता है, किसी की मजबूरी को नहीं देखता। लेकिन तुम तो देख रहे हो लाला जी, मेरी आंखों में धूल न डालो। तुम्हें 300 रुपया चाहिए ना, तो जमानत है तुम्हारे पास? गरीब की कौन जमानत दे सकता है लाला जी, एक अमूल अमानत दे सकती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा खजाना है मेरे पास। खजाना? कैसा खजाना? जिसकी कीमत न समझो तो कुछ भी नहीं, और समझो तो 10,000 भी कम है, 10 लाख भी कम है, और लाला जी 10 करोड़ भी कम है। क्या कह रही हूँ भाभी? हाँ लाला, एक राजा अपना सिंहासन, एक योगी अपनी तपस्या, और एक माँ अपना कलेजा काट कर दे सकती है, लेकिन मांग और सुहाग से भरी हुई एक औरत अपना मंगलसूत्र कभी नहीं दे सकती। ये मुझे मंगलसूत्र, सुहागन का सुहाग, तुम्हें भी गिरवी रखोगी ना? हाँ, मैं अपने देवर की कामयाबी के लिए अपना सुहाग भी गिरवी रख दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, सच पूछो भाभी, पड़ोसियों के दुख को हम अपने ही दुख समझते हैं, और फिर लाला तो पड़ोसियों के लिए आधी रात को जान देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर भाभी, इस पे साइन तो कर देना। नमस्ते। नमस्ते। उमा बहन, अब पिछली बातों को भूल जाइए, बड़े घर की बहू आएगी, बड़ा दहेज लाएगी, और जानती हो साथ तुम लोगों के दिन भी फिर जाएंगे। क्या सोचा उमा बहन? आपका तो सिर फिर गया है पुरोहित जी, एक बार नहीं 10 बार कह चुकी हूँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं हो सकता, जाइए कह दीजिए उन लोगों से। लेकिन उमा बहन, आप तो समझदार हैं, ना कहने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। सोच कर ही जवाब दिया है पुरोहित जी। हाँ पुरोहित जी, नमस्ते। नमस्ते कैलाश बाबू। नमस्ते।
नमस्ते कैलाश बाबू। नमस्ते भाभी। नमस्ते मास्टर। मैं जब भी आता हूँ आप हंस के मिलते हैं, लेकिन आज आपका मूड खराब है, क्या बात क्या है? कुछ ऐसी बात है बांकीलाल जी, दीपक के लिए पुरोहित जी हमारे दुश्मन घर से रिश्ता लेकर आए थे, पुराने जख्म फिर दुखने लगे। पुरोहित जी तो बिल्कुल बेवकूफ है, सोच समझ के कोई काम नहीं करते। लेकिन कैलाश बाबू, जो रिश्ता मैं लेकर आया हूँ वो आपको कबूल करना ही पड़ेगा। दीपक के दिल्ली से आते ही फौरन शादी कर डालिए। लेकिन कहाँ? जहाँ वो चाहता है। तो क्या दीपक ने कोई लड़की पसंद कर रखी है? किसकी लड़की है? नाम पूछ कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरी बहन है। अच्छा, उमा सुना तुमने, बांकेलाल जी अपने दीपक के लिए रिश्ता लेकर आए। अच्छा, कहाँ से? अपने ही घर से, इनकी छोटी बहन है ना, उसके लिए। अच्छा, क्या विचार है तुम्हारा? जो आपका विचार वो मेरा विचार, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अभी तक दोनों दोस्त थे, अब रिश्तेदार भी बन जाएंगे। तो वो मंजूर है ना? हाँ बिल्कुल। बात पक्की? हाँ बिल्कुल पक्की बात है। चाय पी लो ना। मैं तुम्हारा को दीपक भाई, थैंक यू यार। इम्तहान पास कर लिया, अभी पार्टी वार्टी हुआ भाई? यार पार्टी शुरू करता, लेकिन आज मुंबई जा रहा हूँ, मैंने भैया को तार दे दिया। अच्छा, कोई बात नहीं फिर भाई। ओके, चिट्ठी लिखना है। यस बाय भाई। बेटे जब चूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई, बस ताली सुनने की देर है। माँ कहती थी कि चाची घर में आने वाली है। चाची घर में आने वाली है? अरे जमीन से उगेगी या आसमान से टपकेगी? चाचा का मजाक करती है, बड़ी शैतान हो गई। ये मजाक नहीं कर रही है दीपक, बिल्कुल सच कह रही है। गहरी हमारे यहाँ राय साहब के घर से आने वाली है। भाभी तुम भी मुझसे मजाक कर रही थी। दीपक, पहले हमने ये सोचा था कि बांकीलाल मजाक कर रहा है, लेकिन पता करने पर मालूम हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। भैया शायद आपको मालूम नहीं है, ऐसा मेरे बहुत खिलाफ है। बांकीलाल ने मेरे ख्याल में आपको सही बात नहीं बताई। उसने बिल्कुल सब कुछ सच सच बता दिया है। शादी राय साहब की मर्जी से ही हो रही है। बांकीलाल ने दोस्ती का हक अदा किया है और गैर मुमकिन को मुमकिन बना दिया है। और अभी अभी मैं राय साहब के घर शगन लेकर जा रही हूँ, आप भी चलने की तैयारी करिए। हाँ मैं जरूर चलता हूँ माँ, लेकिन आज अदालत में गरीब आदमी गवाही देनी, तुम अकेले ही चले जाना। अच्छी बात, जैसे आपकी मर्जी। मैं नहीं लिखा कर खा आप मुझे। पिताजी को बुलवाई। तो पुरोहित जी भगवान का नाम लीजिए, कन्यादान के लिए मैं हाजिर हूँ। कन्यादान आप देंगे? आपको एतराज है तो आप दे दीजिए, मतलब तो कन्यादान से है। आपको मालूम होना चाहिए बांकीलाल जी, बाप के होते हुए कन्यादान देने का किसी को अधिकार नहीं, सगे भाई को भी नहीं। नहीं, नहीं। आप बात करते हैं। लेकिन बांकीलाल जी, जब आपके पिता घर में मौजूद हैं तब तो उन्हें आना ही चाहिए। सच तो यह है कि जिस दिन घर में लड़की का जन्म होता है उसी दिन से पिता इस शुभ मुहूर्त का इंतजार करने लगता है। ये तो ऐसा समय है कि लड़की का कन्यादान हो रहा हो और पिता को लेने के लिए यमदूत भी आ पहुंचे, तो वो उससे भी कुछ क्षणों के लिए भीख मांग लेता है कि मेरी लड़की का कन्यादान हो जाने। फिर आपके पिता इस शुभ मुहूर्त का लाभ क्यों उठाते? बात यह है कैलाश बाबू की उनकी हालत ऐसी है कि अलग से पानी तक नहीं उतर सकता, तो फिर आप ही बताइए कि वो सीढ़ियां कैसे उतर सकते हैं। कैलाश बाबू,
आप ही तकलीफ कीजिए और दो मिनट के लिए समझा के ले आइए। अच्छी बात है, मैं जाता हूँ। मगर सुनिए तो सही। अरे उनको घर दो बाबा। अरे मगर कैलाश बाबू आपको तकलीफ करते हैं, मैं खुद चला जाता हूँ। उनमें जरा भी हिम्मत होगी ना तो मैं अपने कंधों पे बिठा कर ले आऊंगा। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता कि आप तकलीफ करें। बहुत जैसी थाली बाकी अब क्या होगा बेटा? ज्योति की शादी हुई और क्या होगा? मगर बेटा मैं सब बातें सुन चुका हूँ, तुम पे बहुत दबाव डाला जा रहा है। मुझे किसी की परवाह नहीं दीदी। ज्योति के लिए अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा तो मैं कुर्बान कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए आया हूँ कि आप इन लोगों की बातें सुनकर जोश में ना आए और घर से बाहर कदम ना निकाले, बाकी मैं सब ठीक कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारी मदद करे। अनापा गजब हो गया कैलाश बाबू, मैं पिताजी को लेकर आ रहा था कि वो रास्ते में बेहोश हो गए। ओहो, तब तो हमें उनके होश में आने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब उनको बीच में होश आया था तो उन्होंने मुझसे कह दिया था कि कन्यादान का फल तुम ले लो। राजू है बांकेलाल जी, कोई राजा 1000 गऊ दान कर दे, 10000 ब्राह्मणों को भोजन खिला दे, 1000 अनाथाश्रम और धर्मशाला बना दे, फिर भी कन्यादान का पुण्य इन सब पुण्यों से बड़ा है। कौन ऐसा पिता है जो ऐसे पुण्य को हासिल करने से इनकार कर रहा है? मैं कहता हूँ कैलाश बाबू, कुछ दान में काला नजर आता है, ये आपको धोखा दिया जा रहा है, ये शादी बंद कर दीजिए। देखिए ना, असली शादी तो हो चुकी है, अब मामूली सी रस्म के लिए आप क्यों जिद कर रहे हैं? मुझे इजाजत दे दीजिए कन्यादान देने की। एक शर्त पर। क्या? आप साफ साफ कह दीजिए राय साहब इस लड़की के बाप नहीं है, ना कोई राय साहब जैसी हस्ती जिंदा है। कौन कहता है कि मैं इस लड़की का पिता नहीं हूँ? कौन? सेठी वाला हमारे पिता के कातिल? कैलाश बेटा, समझ लो कि हीरा लाल मर चुका, तुम राय साहब की लड़की को ब्याहने आए हो। दुश्मन की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मुद्दत से मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही थी, मेरे हाथ तुम्हारा गला घोंटने के लिए तड़प रहे थे। कितना अच्छा मौका मिला है आज, एक तरफ तुम्हारी लड़की बहू बनी बैठी और दूसरी तरफ तुम्हारी लाश तड़प रही हो। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। किसी गैबी आवाज ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन शादी हरगिज नहीं होगी। चलो बांके, मैं तुम्हारी दोस्ती का भरोसा किया, लेकिन तुमने दोस्ती के पर्दे में मेरे साथ दुश्मनी की। जो बिछड़े हुए घरों को मिलाना अगर दुश्मनी है तो वाकई मैं गुनाहगार हूँ। जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन शादी तो न रोको। मुझे अफसोस है बांके, हम उस आदमी को गले नहीं लगा सकते जिसके कपड़ों से हमारे पिता के खून की बू आ रही है। उमा तुम क्या सोच रही है? चलो बरात वापस जाएगी। बरात वापस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं मानती हूँ कि राय साहब से हमारी पुरानी दुश्मनी है, और मैं ये भी मानती हूँ कि इनके घर का पानी तक हमारे लिए हराम है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, इस लड़की के बारे में आपने क्या सोचा है जिसके लिए न पिता के घर में जगह है और न पति के घर? न ये सुहागन कहवा सकती है, न दूसरी शादी कर सकती है। इसे दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता दिखा दीजिए, अपने शौक से बारात वापस ले जाइए। एक बार फिर सोच लीजिए, बाप के गुनाहों की सजा बेटे को देना कहां तक जायज है? आप तो समझदार हैं, सोच समझ कर कदम उठाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज का वाकया कल हमारे समाज में एक गलत मिसाल कायम कर दे। क्या सोचा आपने? शायद तुम ठीक कह रही हो मां, लेकिन मेरे दिल के जख्मों को तुम नहीं देख सकती। दादी मैं तो कहता हूँ, अगर आप इज्जत बचाना चाहते हैं तो कैलाश बाबू के पाँव पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आइए। अच्छी बात है बेटा, चलो। ये है कैलाश बाबू। कैलाश बाबू मुझे माफ कर दो,
दुश्मन को माफ करना ही बहुत बड़ी सजा है। माफ कर दो बेटा। कैलाश छिटके जावादी। अरे बादशाह कमाल कर दिया आपने, उस मोटे दुश्मन ने लाख बार किए हाय है मगर जवाब नहीं आपका, आपने खूब हिम्मत से काम किया। लाला जी आपने तो सुना ही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अरे वही होता है जो मंजूरे खुरा होता है। प्यारे बादशाह मैं इस खुशी में आप सब लोगों को खाने की दावत देना चाहता हूँ, जरा पंजाब खाना भी खा के देखो बादशाह। ये बात है तो मैं आपको इस खुशी में पंजाबी भंगड़ा डांस दिखाता हूँ। भंगड़ा? अरे बोले बादशाह तो फिर वेला करा दे दो। चलो अजी ऐसा अरे बात है भंगड़ा देखो साडा। चलो जी गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान हो मैं सदके जावां प्यार तुझे हाल की कटी मजनू की संतान हो मैं सदके जावां होंठ गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान हो मैं सदके जावां प्यार तुझे हाल की कटी मजनू की संतान हो मैं सदके जावां। जमाने भर के हंसी लेकिन तेरी बात है और आशिक तो देखी है तेरी लेकिन तेरी बात है और। अरे देख जमाने भर के हंसी लेकिन तेरी बात है और आशिक तो देखी है तेरी लेकिन तेरी बात है और। दाम न जाने फिर बिलिया पहचान होए मैं सबके जान गुलाबी गाल कटोरे महना सुर मैदान होए मैं सदके जावा। तेरे जलता है दिल आती ही रहना मेरी गली जलता है दिल मेरी फींगी से छोड़ दे आते बैठ गली। अरे वाह रे वाह कमाल है। प्यार में तेरे जलता है दिल आती ही रहना मेरी गली जलता है दिल मेरी फींगी से छोड़ दे आते बैठ गली। मर नहीं जाऊं सर नहीं जाऊं कहना मेरा मान होए मैं सबके जावा गुलाबी गाल कटोरे मैं ना सुर मैदान होए मैं सदके जावा। जान भी गई जेल भी है मंजूर मुझे तेरे लिए ओ जान भी गई जेल भी है मंजूर मुझे करके
गुलाबी गाल कटोरे मैं सुर मैदान होए मैं सबके जावा प्यार तुझे हाल कटकरी मजनू की संतान होए मैं सबके जावा काम छोड़ दीजिए, बहुत दिनों तक काम किया रसोई बनाने के लिए, अभी नौकर रख लीजिए। मुझे नौकर रखने में कोई एतराज नहीं, लेकिन ज्योति घर की रसोई बनाना स्त्री का फर्ज नहीं बल्कि धर्म भी है, और इस धर्म का पालन करने के लिए तो सती सीता भी श्री रामचंद्र को अपने हाथ से पकाकर खिलाती थी। अच्छा, तो कल से ये रसोई बनाया करेंगे? नहीं नहीं ज्योति, अभी तो तुम्हारे हाथों पर सुहाग की मेहंदी का रंग खिला हुआ है, और फिर तुमने कभी रसोई की भी नहीं। मगर अब मैं बनाऊंगी। ये देखिए, कल ही मैंने खाना पकाना सीखने के लिए ये किताब खरीदी है, पकती जाऊंगी पकाती जाऊंगी। तो तुम आज खाना पकाने पर चली हो? अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर हाँ देखना तुम्हें घर वालों को एकादशी का उपास नहीं करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो आपको क्लब में ले जाकर खाना खिलाऊंगी। ज्योति, कल तक तुम एक अमीर घर की लड़की थी, आज एक गरीब कुटुंब की बहू हो, कल को माँ बन जाओगी, फिर ये पुरानी आदतें तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी। भाभी, आपके पास एक ज्ञान का खजाना है, साथ रहकर मैं भी एक आदर्श बहू बन जाऊंगी। उबलते हुए पानी में चावल डाल देना चाहिए। चावल डालने के बाद जितनी जरूरत हो उतना डालना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक से चावल होंगे तो कम से कम आधा से नमक तो होना ही चाहिए। भाभी, इसलिए ये चावल जो तुमने पकाए हैं इन्हें खाकर दीपक इतना खुश होगा कि चावल खाना ही छोड़ देगा। मुझसे कोई भूल हो गई? भूल तुम्हारी नहीं है ज्योति, भूल तुम्हारी माता जी की है, जिन्होंने बचपन ही से तुम्हें खाना पकाना और घर का काम काज भी सिखाया। एक तो चावल तुमने बगैर धोए चढ़ा दी, ऊपर से नमक गुस्से से जहरी कर दिया। समझी, तो आप सबको छुप कर देख रही थी। भाभी, अगर मैं देखती तो तुम्हारी इस किताब का अपमान हो जाता। चलो अच्छा हुआ, हाँ घर का थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इस किताब से तो तुम्हारा भरोसा उठ गया, अब तुम जरूर सीख जाओगी। देवरानी जेठानी मिलकर खाना पका रहे हैं, आओ आओ मिनट बहन। भाभी, ज्योति बहन से कहो ना अपना जहेज दिखाए, शादी वाले दिन भीड़ भाड़ में कुछ देख ही नहीं सकते। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ ज्योति तुम्हें अपना जहेज दिखाओ। हाँ ज्योति, ये लो चाबी है।
कब है? जरा जेबों के डब्बे तो लाना। देखो ये कितनी अच्छी साड़ी है, पसंद है तुम्हें? हाँ। ये देखो ज्योति बहन, साड़ी तो ये है। अच्छा अब मैं तुम्हें अपने जेवर दिखाती हूँ। देखो मेरे पास एक बहुत सुंदर लॉकेट है, वो भी दिखाती हूँ। पिताजी ने तो सारा जौहरी बाजार खरीद कर दे दिया है मुझे। अरे मेरा लॉकेट क्या हुआ? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। आखिर गया कहाँ लॉकेट? क्या इसी में रखा था? हाँ हाँ, कल मैंने पहना था, रिपेयर कर दिया था। ज्योति बहन, अलमारी की चाबियां किसके पास रहती हैं? भाभी के पास। तो फिर भाभी से जाकर पूछो। जाओ जाओ, शायद मैंने दिन रख दिया हो। जाओ ना। क्या हुआ? नहीं नहीं, भाभी से नहीं पूछना चाहिए, वो क्या समझेंगी? पूछने में हर्ज क्या है, इनकी चीज है ज्योति बहन। और फिर मैं भाभी का सजा अच्छी तरह जानती हूँ, वो हरगिज बुरा न माने। जाओ जाओ पूछो पूछो पूछो। भाभी मेरा लॉकेट कहाँ है? मैं क्या ज्योति? हाँ तुमने तो गले में पहना हुआ था ना? लेकिन मैंने उतार कर रख दिया था, और चाबी आपको दे दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने अलमारी नहीं खोली ज्योति। फिर कहाँ गया मेरा लॉकेट? घबराओ नहीं ज्योति बहन, कहीं इधर उधर रख दिया होगा। हाँ शायद भारती ने खेलने को ले लिया होगा, उससे भी पूछ कर देख लो ना। भारती इतनी ना समझ नहीं, जो इतनी कीमती चीज को खिलौना समझ कर ले जाए। फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए पूछ लेती। वाह रे दुनिया, भगवान गंजे को नाखून न दे। क्या लगे जाने को तुम बुरा मान जाओ? नहीं मेरे कपड़े कहो क्या बात है? मेरे कहने से क्या होता है तुम खुद ही देख लोगी। अब इस घर में सब चीजों को हाथ पैर लग जाएंगे, अलमारी से निकल निकल कर तुम वहां पहुंच जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक तो कह रही हूँ, भूखे को भोजन, अंधे को आंखें और कंगाल को माया मिल गई है। तुम देखती तो रहो इस घर में क्या क्या होता है। तो तुम्हारा ख्याल है कि लॉकेट भाभी? अरे राम 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 राम, उस देवी के बारे में तो ये सोचना भी पाप है। मगर कुछ भी कहो बहन, रुपया पैसा ऐसी चीज है कि बड़े बड़े योगियों की तपस्या भी भंग हो जाती है। ज्योति लो तुम खुद ही इससे पूछ लो, ये तो सही मैंने लॉकेट देखा था तुम्हें। किसी के पैसे होगी छोटी सी बच्ची जो थोड़ी भी रही थी। मगर मेरा लॉकेट गया कहा? घर में आप और मेरे सिवा दूसरा कौन है जिस पर शक किया जाए? फिर भी मैं अलमारी में ढूंढती हूँ। भाभी जी बहुत तेरा तेज मिजाज है, लगाम ढीली मत करना वरना हवा से बातें करने लगूंगी। मैं तो भूल गई, मुझे तो जलेबियां बनानी है। नमस्ते नमस्ते। वाह 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 बेटी, ये जाकर तो बहुत कीमती। इसकी कीमत तो कुछ दिनों बाद मालूम होगी पिताजी, अभी तो भाभी के घर में चिंगारे डालकर आए। इसे जल्दी जोर में बंद कर दीजिए। अच्छा अच्छा बेटा, लो इसी खुशी में जलेबी खा। आप भी खाइए ना। भाभी क्यों दीपक? क्या बात है भाभी, आज तुम्हारे चेहरे पर मेरे स्वागत के लिए मुस्कुराहट क्यों? ज्योति का लॉकेट खो गया है। वो मैं सब सुन चुका हूँ, तुम उसकी कोई चिंता न करो, अगर नहीं मिला तो मैं संध्या ला दूंगा, तुम बस झोली फैलाओ अपनी। क्या बात है?
भाभी जिस झोली को फैलाकर तुम मेरे लिए भगवान से दुआएं मांगा करती थी ना, आज मैं उसको भर देना चाहता हूँ। क्या लाए? ये लो, तुम्हारी तपस्या का फल। भाभी मैंने आज एक केस जीता है जिसमें फीस के अलावा मुझे 500 रुपए इनाम के मिले। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें और भी कामयाब करे। लेकिन दीपक, तुम्हारी कमाई पर अब ज्योति का अधिकार है। ये रुपए उसे ले जाकर दे दो, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उससे ले लूंगी। भाभी जिस दरख्त को तुमने खून और पसीने से सींचा है, ये उस दरख्त का पहला फल है। इसे अपनी झोली में रहने दो, और जिस जिसका तुम्हें देना है ना, बस आज ही जाकर चुका दो। जैसी तेरी मर्जी। देखा, आज तो 500 दिए हैं, कल 5 लाख आएंगे तो भी भाभी की झोली में डालेगा। अरे समझदार का कहना है कि अगर सांप हाथ और पांव पे डस जाए तो उस गुस्से को काट के फौरन फेंक देना चाहिए, वरना जहर सारे जिस्म में फैल के जान ले लेता है। अभी तो पैसे आने शुरू हुए हैं, आज से रोकथाम न करोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। हाँ ज्योति। अच्छा इस वक्त मैं जाती हूँ, फिर मिलूंगी। है ज्योति, ज्योति, ज्योति। अरे ये उदास क्यों खड़ी? ये लो चॉकलेट। छोड़िए, मुझे ये लगा पसंद नहीं। मैं पूछती हूँ, आपने भी भाभी को 500 रुपए दिए, अगर मुझे देती तो क्या मैं लुटा देती? क्या मैं इतनी ना समझू कि घर का कारोबार भी नहीं चला सकती? मेरी बात तो समझ लेती ज्योति। घर के कारोबार चलाना तो बच्चों का खेल है, इसमें 10-20 साल का तजुर्बा चाहिए तुम्हें, और ये काम भाभी तुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखा देंगे। मैं किसी से कुछ सीखना नहीं चाहती। मैं अनपढ़ नहीं जो पैसों का हिसाब न रख सकूं। मैं ना समझती हूँ तो फिर क्यों खर्च किया करूं? अब आपके पास जो पैसा है मेरे हाथ में दीजिएगा। ज्योति, तेरे मेरे ये छोटे छोटे झगड़े ने घर को तबाह कर डाला है। ये झगड़े जहां जाते हैं उस घर से शांति रुक जाती है, ज्योति वहां से भगवान रुक जाते हैं। अगर इस घर पर कुछ आना चाहते हो तो सबसे मिलजुल के रहो ज्योति, बस यही मेरी नसीहत है और इसी मेरी खुशी। मैं आपकी खुशी के लिए जान तक दे सकती हूँ, मगर बेइज्जत होकर इस घर में न रह सकूंगी। ये लीजिए 500 रुपए, अपना हिसाब करके रुपया ले लीजिए और मेरा मंगलसूत्र वापस कर दीजिए। लाइए लाइए, मगर भाभी तिजोरी की चाबियां तो मेनका के पास, उसके आते ही इन रसीद और आपका मंगलसूत्र मैं भेज दूंगा। लेकिन नाना जी, भगवान के सामने बैठ के मैं झूठ थोड़ा ही बोलूंगा, आपको विश्वास करना चाहिए। हाँ नाना जी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा नमस्ते, हरिओम। ज्योति आओ चलो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है पापी, आप खा लीजिए। ज्योति, जितने से तुम घर में आएगी क्या मैंने कभी अकेले खाना खाया है? आओ चलो चलो, भूख ना हो तो क्या जबरदस्ती खानी चाहिए भाभी? लेकिन भूख न होने का कारण कारण तो किसी MBBS डॉक्टर से पूछकर बताना पड़ेगा। भारती, भारती जा तो बेटा, देख चाची कहां गई है, जा तो। क्यों ज्योति बहन, खाना पसंद आया? क्यों नहीं, हमारे घर से तो 1000 दर्जे अच्छा है। पिताजी के यहाँ थी जो चाहती थी मिल जाता था, और अब भाभी की पूछे बगैर एक कप चाय भी नहीं दे सकती। सुना पिताजी, भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा ज्योति बहन, जलेबी तो इस घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ, लेकिन आज तुम भी खा लो। नहीं नहीं, मैं तो बहन खा लो बेटा, खा लो। भारती, ओ भारती। बाबूजी, कहाँ से चली आ रही बिल्ली हमारी? माँ, चाची मेनका जी के घर में खाना खा रही है। कितनी बुरी बात है,
उन्होंने ज्योति से कहा खाना खा ले तो कहने लगी भूख नहीं है, और जब पूछा कि भूख क्यों नहीं है तो कहती है किसी MBBS डॉक्टर से पूछकर बताऊंगी, और अब मेनका के घर में खाना खा रही। माँ चाची कह रही थी ये खाना हमारे घर से बहुत अच्छा है। सुन लिया आपने? आप तो जानते ही हैं मेनका एक ऐसी चाल चल रही है जिससे हमारा सुखी घराना दुखों का महासागर बन जाए, इसीलिए ज्योति का उसे मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चिंता न करो माँ, सागर में तूफान उठने से पहले ही तूफान को रोक दिया जाएगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। सुनिए तो, आपके जाने से बात बिगड़ जाएगी। अगर अभी से न रोका गया तो बहुत बिगड़ जाएगी ना, उसकी आजादी की ही चलन रहे तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, उसे समझाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, वो आपका अपमान कर देगी। अपमान? अगर उसने मेरा अपमान किया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दौलत का सारा नशा उतर जाएगा। तुमने गरीबी में जिस घर की इज्जत पर किसी की आंख न उठने दी, वो चाहती कि उसी इज्जत के गिरेबान पर लोगों के हाथ उठने लगे, तुम्हारी भलाई का वो यही बदला देना चाहती है, उसे समझाना ही पड़ेगा। वहां करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भाभी और भाभी, अरे तुमने अपने चाचा को भोला समझ रखा है क्या? भाभी किसे आज कुछ नहीं कहो, आज तो इसकी दिवाली है। दिवाली? ये कैसे? माँ चाचा मेरी अभी कितनी अच्छी सोने की चिड़िया लाए। अच्छा तो ये बात है। भाभी मैं इसे पहना के देखो। चूड़ी बहुत छोटी लाए हो भैया, कभी उतारनी पड़ी तो मुसीबत होगी। लेकिन भाभी उतारनी क्यों पड़ेगी, भारती तो इनको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगी, क्यों भारती? हाँ चाचा मैं कभी नहीं उतारूंगी, नहाऊंगी तो हाथ का कपड़ा बांध के नहाऊंगी। अच्छा सुनो। अच्छा भारती ये चूड़ियाँ अपनी चाची को जरूर दिखाना, वो बहुत खुश होगी। हाँ। तुम्हें चूड़ियाँ दिखाना नहीं चाहते, तुम्हारा दिल जलाना चाहते हैं। तुम्हारे लिए एक अंगूठी भी बनाई है आज तक। अरे ये तो अपने भैया और भाभी के लिए कमाते हैं, तुम तो इस घर की दासी हो दासी। क्या सोच रही हो ज्योति बहन? सोच रही हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो मेनका बहन। अरे राम 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 राम, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत, भला इसमें मेरा क्या भला होता है, मैं तो पड़ोसी के धर्म का पालन कर रही हूँ। अच्छा धर्म का पालन कर रही हो मेनका, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, इधर की बात उधर करना, क्या यही पड़ोसी का धर्म है? अरे नहीं राम 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 राम, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं दीपक भैया। मैं झूठ कह रही हूँ या सच, ये तो एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ ही जाएगा। क्यों? अच्छा ज्योति बहन इस वक्त मैं हा? अच्छा मेरी चप्पल। अच्छा ज्योति आज मुझे पता चल गया है कि ये मेनका एक जहर का भरा हुआ प्याला है, अगर इसकी एक बूंद भी हमारे जीवन की मीठी नदी में गिर गई तो सारा पानी जहर हो जाएगा ज्योति। और मुझे डर है कि अगर इसी तरह तुम उसकी बातों पर विश्वास करती रही तो एक दिन हमें पछताना होगा। आप मेनका को क्यों दोष देते हैं, अपनी भाभी से क्यों नहीं पूछते कि वो दूसरों के सामने मेरी क्यों बुराई करती रहती है? ज्योति जिसका काम ही दूसरों की भलाई करना है वो तुम्हारी और किसी की कैसे बुराई कर सकती है, ये मैं जिंदगी भर नहीं मान सकता। आपने कभी मेरी बात मानी है जो आज मानेंगे? मैं तो हमेशा झूठ बोलती रही, हमेशा बकवास करती रही, और मैं तो आपकी दुश्मन की बेटी हूं ना, इसीलिए भाभी मुझसे गिन गिन के बदले ले रही है। आप भी लीजिए, आप भी बदले लीजिए। ज्योति ये तुमने क्या कह डाला दीपक से, अगर मैं तुमसे बदला लेना चाहती तो तुम्हारी शादी वाले दिन में ले लेती, बारात वापस नहीं लौटा ले जाती। अरे पगली मैंने तो तेरे लिए भरे लगन मंडप में अपने पति का सामना किया और तू मुझे अपना दुश्मन समझती है। भाभी इसमें ज्योति का बिल्कुल कसूर नहीं, आज मेरी समझ में आया कि भगवान बुरा पड़ोस किसी को न दे, ये सारी लगाई बुझाई मेनका की है। भाभी ज्योति परमात्मा के लिए मेनका का आना जाना बंद कर दो, वरना याद रखो एक दिन ये हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाएगा।
मैं कौन होती हूँ किसी को रोकने टोकने वाली। मैं तो इस घर की दासी हूँ, न पूछे बिना घर से बाहर जा सकती हूँ, न पास पड़ोस में जा सकती हूँ। एक पैसे की जरूरत होती है तो सबके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ससुराल क्या हुआ ज्योति? तुम स्वतंत्र होना चाहती हो ना, घर चलाना चाहती हो ना? बहुत अच्छा, स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं, हर लड़की अपना घर चलाना चाहती है। इसमें मेरी ही भूल हो गई। मैंने सोचा घर बार का सारा बोझ तुम पर डालने से पहले तुम्हें घर चलाना सिखा दूं। आज से तुम स्वतंत्र हो, जिस तरह जी चाहे घर चलाओ। ये लो सारे घर की चाबी। अब क्या सोच रही हूँ? आज तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मैंने सब कुछ सुन लिया। ज्योति का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। अब तो इस घर से अपना दिल कुछ उचाट सा हो गया। कितनी आरजू से हम अपने दीपक के लिए ज्योति लाए थे, पर इस ज्योति ने तो घर के सुख को जलाकर राख कर दिया। ये क्या कर रही हूँ मैं? रोती रही हो? कुछ नहीं बेटा, जाओ जाओ, तुम अपना सबक याद करो। माँ रोना मत। नहीं रोऊंगी। अम्मा मैं समझता हूँ अब इस घर में हमारी कोई जरूरत नहीं रही, क्यों ना हम अपना संसार अलग बसा लें? ये क्या कह रहे हैं आप? ज्योति ने मेरा अपमान किया है, उसका इतना गुस्सा इतना गम। मैं मानती हूँ ऐसे मौके पर गुस्सा आ ही जाता है, मगर जो इंसान गुस्से और गम को पी जाए तो समझो उसने दुनिया जीत ली। शाबाश। नमस्ते लाला जी। नमस्ते बेटी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं इन सरकारी आदमियों को लेकर अभी आपके घर पे कुर्की लाने वाला था, लेकिन मुझे पड़ोसी के धर्म ने रोक दिया और आपको इसलिए तकलीफ दी है। ये बाद में आप शिकायत न करें लाला जी ये क्या किया। लेकिन आप कुर्की किस लिए ला रहे हैं लाला जी? ये देखिए, आपकी जेठानी जी ने मुझसे 400 रुपया कर्ज लिया था, ना तो उसका ब्याज दिया न रुपए वापस करती। मगर भाभी को 500 रुपए कर्ज उतारने के लिए दे दिए गए थे लाला जी। अगर मुझे रुपए मिले होते तो मैं लोगों को क्यों तकलीफ देता। मैं आपसे विनती करती हूँ लाला जी कि हमारे घर की इज्जत रख लीजिए, चाहे घर में कुछ भी हो जाए इस 500 रुपए का पता लगा कर रहूंगी। पड़ोसी का धर्म समझ कर ये कार्रवाई रोक दीजिए लाला जी। रोक दीजिए ना पिताजी, मैं आपकी पाई पाई अदा कर दूंगी। अगर आप जुमा लेती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। बड़ी कृपा होगी लाला जी। नमस्ते। अच्छा मिलते हैं। अरे ज्योति बहन जलेबी तो खाती जाओ। नहीं फिर कभी। मामा मुझे स्कूल की फीस देनी है। भारती अब तो मेरे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है बेटा, जाओ चाची से मांगो वो दे देंगे। चाची मुझे स्कूल की फीस चाहिए। तो मैं क्या करूं, जाके अपनी माँ से कहो? माँ ने कहा है चाची से मांगो। चाची से मांगो, जैसे चाची के पास रुपयों का खजाना है। चलो जाओ यहाँ से। और चाची मास्टर जी मेरे को क्लास से निकाल देंगे, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम मत जाओ, मुझे क्या सुनाती हो, चलो जाओ अपनी माँ के पास। ज्योति भारती को फीस के रुपए दे दो, ये तो इसकी पढ़ाई में खर्च होगा, भविष्य बिगड़ेगा इसका। आप इसके पढ़ाई और भविष्य का ख्याल करती हैं, ये नहीं ख्याल करती कि कमाने वाला कितनी मेहनत से कमाता है। अब मेरे पति के खून पसीने की कमाई कोई बेदर्दी से लुटा नहीं सकता। ज्योति मैंने जब तक ये घर चलाया एक पाई भी फिजूल खर्च नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो गया है भाभी। क्या मालूम हो गया है तुम्हें? अब तो मैं उन्हें से कहूंगी जो हमेशा अपनी भाभी के नाम की माला जपा करते हैं, आने दीजिए अपने देवर को, फिर सब मालूम हो जाएगा। चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ।
ज्योति, मैंने दीपक से कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की। आज भारती की फीस के लिए तुमने मुझे लाखों बातें सुना दी। आने दो दीपक को, उससे कहकर तुम्हारा दिमाग ठीक करवाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ आने दीजिए, देखती हूँ आज किसका दिमाग ठीक होता है। ज्योति, मैं तुमसे आज कुछ कह देना चाहती हूँ। ज्योति, मैं कुछ सुन लेना चाहता। दीपक, बात ये तुम भी चुप रहो भाभी। तुम लोगों का झगड़ा खत्म होने से पहले तो एक दिन वहीं खत्म हो जाऊंगा। जब भी घर में आओ सिवाय झगड़े का कुछ सुनाई नहीं देता। मेरी बात तो सुनी दीजिए। क्या सुनूं भाभी, अगर ये ना समझे तो आप तो समझदार हैं। दीपक, तुम भी मुझे दोष देने लगे। दोष तो मेरी किस्मत का है भाभी, जो मैंने शादी की। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। बस करो ज्योति, बस करो। भैया, मैं खुद नहीं चाहती। भाभी, ईश्वर के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं बेचैनी में कुछ बकवास कर बैठा या गुस्से में अपने आप को संभाल ना सका तो फिर मुझे ही रोना होगा, मुझे ही पछताना होगा। भाभी, मुझे बुखार है आज। देखो कितना तेज बुखार है, सारा बदन आग की तरह जल रहा है। तू जा आराम कर, मैं दवा बना कर लाती हूँ। जल्दी आना। क्या बात है बिटिया? आपको याद होगा जब मेरे पिताजी बीमार थे तो आपने पूजा की थी, वो अच्छे हो गए। आज मेरे चाचा बीमार है। तो तुम्हारे चाचा भी अच्छे हो जाएंगे, मगर पूजा पाठ करने के लिए 2 रुपये खर्च होंगे। मुझे मालूम था, मैं लेकर आई हूँ। लीजिए। कल्ला, सुनो भारती, तुम्हें 5 दिन तक उपवास करने पड़ेंगे। 5 दिन तो क्या, मैं अपने चाचा के लिए 10 दिन तक भूखी रह सकती हूँ। शाबाश, अब तुम जाओ, मैं 5वें दिन प्रसाद लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे चाचा के हाथ से खिलाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। थोड़ा जूस पिला दो। अभी मौसम्बी मंगाती हूँ। दो रुपये कहाँ गए? ताजुब की बात है, अभी अभी मैंने कुछ रुपए टेबल से रखे थे, उसमें से 2 रुपए किसी ने उठा लिए। कौन उठाता रुपए? तुमने कहीं रख दिए? रुपए मैंने वहीं रखे थे। भारती भी वहां खड़ी थी और वो 2 रुपए मुझसे मांग भी रही थी। पागल न बनो ज्योति, भारती कभी ऐसा नहीं कर सकती। ज्योति, अगर तुम्हारा ख्याल है कि भारती ने रुपए उठाए हैं तो तुम उससे पूछ लो। हटाओ ना भाभी, मेरी जेब से रुपए निकाल लो। नहीं भैया, ज्योति को इत्मीनान हो जाएगा। भारती, मैं ही पूछ लेती हूँ। भारती, 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 यहाँ आओ। भारती, यहाँ से 2 रुपए तुमने उठाए हैं ना? उठाए हैं ना? नहीं तो? नहीं। देखो भारती, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोला करते। बोलो, उठाए हैं ना? हाँ, हाँ। आओ मेरे साथ। आप तो कह रहे थे ना कि भारतीय टीम में कभी नहीं कर सकती, वो रुपए क्यों लिए हैं? भारती, रुपए तो नहीं था, चोरी की तूने? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, तुमने चुराए रुपए?
चुप रह, किसी के पूछे बगैर तूने रुपए तो उठाए ना, बोल। ये क्या किया तुमने? मेरी नाक कटवा दी। अब बड़ी देर से नहीं करूंगी माँ, नहीं करूंगी माँ। माँ मैंने चोरी नहीं की माँ। चोरी नहीं की तो फिर क्या किए वो रुपए? मेरी समझ में नहीं आता ये भारती ने चोरी कैसे की। इसमें न समझने की क्या बात है, जैसा बच्चे माँ बाप को करते देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। ज्योति जानती क्या कह रही है तुम? खबरदार ऐसी बात फिर करने की कोशिश की। इतना गुस्सा होने की क्या बात है, जरा भाभी को बुलाकर वो 500 रुपए का हिसाब तो पूछिए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। दीपक अगर तुम्हें 500 रुपए का हिसाब चाहिए तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाभी मुझे बिल्कुल हिसाब नहीं चाहिए। मुझे भैया इसमें मेरी इज्जत का सवाल है, अच्छा है अगर तुम हिसाब जान लो। वो 500 रुपए मैंने, लेकिन भाभी मैं नहीं पूछना चाहता। अगर तुम हिसाब बताना ही चाहती हो तो इसे बता दो, सारा दिन मेरा सर खाती रहती है। मैं इसे हिसाब नहीं बताऊंगी दीपक, वो रुपए मैंने तुमसे लिए थे उसका हिसाब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेकिन भाभी इसको हिसाब बताने में कौन सा नुकसान है? इससे पहले घर में झगड़ा और बढ़ जाए इसका बहन हमेशा के लिए दूर कर दो। दीपक इसका मतलब है अब तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा? ऐसा ना कहो भाभी। ये सब बहाने हैं, कोई हिसाब हो तो बताए। वो तो अच्छा हुआ कि लाला ने मेरी बात मान ली, वरना इस घर कैसे बना रह जाती। भाभी इसको हिसाब बता के हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर दो। तो सुन लो ज्योति, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, जिसे भी हिसाब पूछने की जरूरत हो वो लाला जी से जाकर पूछे कि पूजा के समय मैंने उन्हें 500 रुपए दिए थे या नहीं। ये लो लाला जी भी आ गए, लो दीपक पूछ लो इनसे जो कुछ पूछना है। लाला जी आपको भाभी ने रुपए दे दिए थे ना? अरे राम राम राम, अगर रुपए मिले होते तो मैं अपनी फरियाद लेकर यहाँ क्यों आता? लाला जी सिर्फ 500 रुपए के लिए तुम अपना धर्म बेच रहे हो, क्या दुनिया में व्यवहार खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई? बोलो मैंने तुम्हें 500 रुपए नहीं दिए। अरे राम राम क्यों भाभी इतना झूठ बोलती है? लाला ये 500 रुपए का सवाल नहीं, मेरी भाभी की इज्जत का सवाल है और भाभी की इज्जत सारे घर की इज्जत है। सच सच कहो तो रुपए मिले कि नहीं? अरे दीपक बाबू जो कसम कहो खाने को तैयार हूँ, मुझे इन्होंने रुपए नहीं दिए। तो क्या तुम अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खा सकते हो कि मैंने तुम्हें 500 रुपए नहीं दिए? क्यों नहीं, जरूर। अगर तुमने मुझे 500 रुपए दिए हो तो मेरी जवान बेटी मर जाए, बस खुश है। लाला जी बेटी की झूठी कसम खाते कैसे बाप हो तुम? भाभी कोई भी अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खा सकता, क्या तुम भारती के साथ हाथ रखकर झूठी कसम खा सकती हो? लेकिन दीपक ये झूठ बोल रहा है, ये झूठी कसम खा रहा है। भाभी बस, मुझे सब पता चल गया कौन झूठा है कौन सच्चा है। 500 रुपए अब तो तुम्हें हिसाब देना ही होगा। मैं खा गई हूँ वो रुपए, मेरे हाथ में रुपए आने तो दे, लगे तेरे मुंह पर फेंक दूंगी। पराए लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करता है, मुझे झूठ ठहराता है, शर्म नहीं आती बेशरम? भाभी चुप, अब भाभी का शब्द भी तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता और उसका गुलाम। शाबाश दीपक, शाबाश भैया, शाबाश। इसी दिन का इंतजार था मुझे, ले मार एक तमाचा और मार। मार नहीं, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा भैया, इसी में तेरा कल्याण है। लेकिन भैया आज से ना कोई तेरा भैया है और ना भाभी, ये समझ ले दीपक, आज हम दोनों तेरे लिए मर गए। इस देवी ने तेरे हाथों में शक्ति दी, उसी के मुंह पे तमाचा मार दिया। तूने अपनी भाभी के मुंह पर तमाचा नहीं मारा दीपक, इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारा है। अगर कोई गैर आदमी हरकत करता है तो मैं अपने हाथ उसके लहू से रंग लेता हूं। लेकिन तुम तो भाई हो ना, छोटे भाई हो, मेरे बच्चे। मां
वो चूड़ियाँ चाचा की है, मैं वापस कराती हूँ। चूड़ियां तो बहुत छोटी ले आए हो भैया, अगर कभी उतारनी पड़ी तो मुसीबत होगी। उतारनी क्यों पड़ेगी भाभी, भारती तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी रखेगी, क्यों भारती? हाँ चाचा, मैंने कभी नहीं उतारूंगी, अगर नहाऊंगी तो हाथ पर कपड़ा बांध कर नहाऊंगी। शाबाश। सुखी रहो बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चलो भर खून से अपने सींच के माली पौधा एक लगाए, हाय रे फूटी किस्मत जब के फल कड़वा हो जाए। भला करने वाले भलाई की जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले चले अभियान के तूफान आए, तेरे ये कदम डगमगाने न पाए, तेरे ये कदम डगमगाने न पाए। घुटे दम तो क्या सांस फिर लिए जा, बुराई के बदले भला करने वाले। घड़ी दो घड़ी के हैं बादल के काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले, ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले, ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले। सहे जा सितम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा, भला करने वाले। भारती, भारती, इसने कल से कुछ खाया भी तो नहीं? लम तो खा चुकी। टूट जाए मेरे हाथ जिन्हों तो इसे मारा, अब मैं इसे कभी नहीं मारूंगी। भारती, भारती, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? भारती, भारती, ये क्या? उसका सारा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। भगवान न करे सर्दी से कहीं। उमा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? नहीं, घर में पाई पाई का हिसाब देकर आई थी, आंसुओं के सिवा घर से कुछ नहीं लाया। फिर क्या हो सकता है? मैं जाती हूँ, मैं जाकर किसी को भी ममता की पुकार सुनाऊंगी, कहूंगी गरीब होना गुनाह सही, माँ होना तो गुनाह नहीं, माँ पर रहम करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें हर दिन नहीं जाने दूंगा। हाँ याद आया माँ, मेरे पास एक चीज है जिससे मैं भारती के लिए दवा ला सकता हूँ, मैं भारती को बचा सकता हूँ। क्या?
क्या चीज? मेरे मुंह में एक सोने का दांत है। छोटी उम्र में खेलते खेलते मैं गिर पड़ा था, दांत टूट गया। अम्मा, जीवन में जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है। पिताजी ने सोने का दांत लगवा दिया, आज वो हमारे काम आएगा। मुझे रास्ता सूझ गया अम्मा, मैं अभी आता हूँ। सुनिए तो, क्या सोच रहे हैं आप? ठीक ही सोच रहा हूँ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। नमस्ते बांकेलाल जी। नमस्ते सेठ जी, आजकल तो घर बैठे पैसे मिल जाते होंगे, फिर भी घर के चक्कर? मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी थी जिसकी जांच करने के लिए आया था, मगर अफसोस वो खबर सच्ची निकली। क्या? भाभी और कैलाश बाबू घर छोड़कर चले गए। किसलिए? तकलीफ के दिनों में बेचारी भाभी ने लाला के पास अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था। बेईमान लाला ने 500 रुपए लेकर भाभी को न रसीद दी न मंगलसूत्र वापस किया, इसलिए चोरी का इल्जाम भाभी पर आ गया। बस बांकेलाल जी, बस मुझे जाने दो, मैं भाई से भाई को जुदा करने वाले बेईमान लाला का सर तोड़ दूंगा। सेठ जी, गरम होने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम दुकान संभालो, उसकी खोपड़ी मैं संभालता हूँ। अजी, मैं भी उसको देखूंगा। अबे तुम्हें तकलीफ है तो हम क्या करें? दांत खालिस सोने का है नहीं, तांबा मिला हुआ है। रुपये 3 मिल सकते हैं। दांत वापस कर दूं या रुपया दूं? रुपये। अच्छी बात है, लो भाई, 1, 2, 3 बराबर है। के चले जाने से तुम लोगों को आजादी नहीं मिली, महिला के कुत्तों को भी आजादी मिल गई। आओ तुम्हें दिखाओ, चलो। ये देख,
जिस पुत्र रसोई घर में हम लोग हंसी खुशी खाना खाया करते थे, आज उस रसोई घर की यह हालत। मैंने कहा आखिर हमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हाथ धोके हमारे पीछे पड़ी हो? लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है दीपक बाबू? कुछ नहीं बिगाड़ा तुमने, एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दिया, माँ जैसी भाभी ने मेरा हाथ उठवा दिया, जीता था तुम्हारा गला घूर तुम। लागिन तूने तो ऐसा डसा है कि हमारे सारे घर संसार में जहर फैला हुआ है। निकल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जा जंगल। अभी तो कुछ नहीं किया ज्योति, लेकिन याद रख अगर मेनका फिर इस घर में आई तो शायद हम दोनों का जिंदगी भर एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, या तो तुम्हें कहीं चले जाना होगा या ये घर छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा। बाकी लाल जी, बाकी लाल जी, बाकी लाल जी, नमस्ते अकाल, किधर है लाला का बच्चा? वो तो मेरे लिए जलेबियां लाने गए हैं। अच्छा तो आने दो, आज मैं उसको लड्डू खिलाऊंगा लड्डू। अरे दीदी पर आप इतने गर्म क्यों हो रहे, अंदर तो आइए। इसलिए तो उसको ठंडा करना समझी, आप अंदर आइए। चलो हेलो, बुढ़ा कारीगर है, 10 देता 50 लिखता है। बाकेलाल जी, जी नाश्ता? नो नाश्ता एट ऑल, पहले मैं तुम्हारे पिताजी की इस कार्रवाई को तो देख लूं जरा। मेनका बेटा, मेनका देख तेरे लिए जलेबी ला। बाकेलाल जी ये आपने मेरा बही खाता क्यों खोला हुआ? मैं आपकी अभी खोपड़ी भी खोलूंगा, लेकिन जरा ठहर जाओ। मेनका तुम जाके दूसरे कमरे में जलेबी खाओ, जब तक मैं तुम्हारे पिताजी को लड्डू खिलाता हूँ। मुझे भूख नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जाओ। मैं भी खाना खाया। खाना खाया है ना, तो ऊपर से 2 लड्डू खाओ, खाना खाने के बाद मीठा बड़ा मजा देता है। दस बार के एक गिनते हो और तू भी तो एक दे के 10 लीटर है। बात तो बताइए, बात क्या है? नहीं, लोग पहले बात बताते हैं फिर मारते हैं, लेकिन मैं तुझे पहले मारूंगा और फिर बात बताऊंगा। बाकेलाल जी जो मैं पूछ लीजिए, मैं मर गया तो फिर कौन बताएगा? ये भी तो मरने से पहले बता दे कि तूने भाभी जी से 500 रुपए वापस लिए के नहीं? नहीं नहीं, जल्दी। मैंने नहीं लिए। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। भागना चाहता है। बाल बाल तूने लिया कि नहीं? उसको बोल दे कि मैं लड्डू खा रहा हूँ, नहीं आ सकता। मैं लड्डू खा रहा हूँ, नहीं आ सकता। पैसे दिए कि नहीं भाभी ने? मैंने भाभी से पैसे लिए थे। लिए थे ना? अरे ये भी बता दे कि मंगल सूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र भगवान के समुख का मुझे नहीं मालूम। फिर झूठ, फिर झूठ। बता बता। अच्छा बता ही देता हूँ। चलो चलो, तिजोरी में जल्दी खोलो। जितने पास कहा था जो तो मैंने टाइम से कैश में दिया था, बहुत बोलने पे डालूंगा। मैंने नहीं लिया, नहीं लिया। फिर झूठ। मेनका मेनका जल्दी, बाबू क्या है? अब मैं बहुत लड्डू खा चुका हूँ, अब मुझसे नहीं खा जाते, जल्दी बता दीजिए कहाँ से लाई है। बताइए कहाँ से लाई थी? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, बताते ना। तुझे मैंने चुराया था। चुराया था ना, अच्छी बात है। तुम दोनों चलो मेरे साथ, जेब में कहाँ रखता है डरला मंगल सूत्र, चलो मेरे साथ। चलो मैं भी चलो। ये दीपक के ही हाथ से क्यों खाना चाहती? हमने तो कलेजे पर पत्थर रख लिया होगा, मगर ये नंदी सी जान अपने चाचा को नहीं खुला सकती। इन दोनों में प्यार भी सही नहीं था, कब एक दूसरे के बगैर खाना खाते थे? तो एक ही रास्ता है, मुझे दीपक को बुलाकर लाना पड़ेगा। क्या वो यहां आने के लिए तैयार होगा?
नहीं आएगा उससे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, उसके पांव पकड़ सकता हूं। हालांकि हमारे मेरे तक एक ही चिराग है, उसको बुझने से पहले बचा लो भैया, बुझने से पहले बचा लो। दीपक को लेकर ही बात करने को तुम्हें होता क्या मैं नहीं मैं कहता हूं क्या जाने क्या भेद। ये भेद मैं बताता हूं, जब दीपक बाबू बीमार थे ये मेरे पास आए और मुझसे कहा कि अपने चचा जल्दी अच्छे हो जाए इसलिए पूजा पाठ करो। मैंने कहा कि बेटी 5 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, रह सकोगी? छोटी सी जान ने कहा कि अपने चचा के लिए 5 दिन तो क्या, 10 दिन तक भूखी रहने को तैयार हूं। ऐसा कहकर 2 रुपया दक्षिणा भी दिया। वो 2 रुपये आपको दिए? जी हाँ। ये माफ कर दीजिए। देखा अम्मा, मैंने कहा नहीं था हमारी बेटी चोरी करे, ये दिन को रात कहने के बराबर है। और इतनी पवित्र आत्मा भारती भारती आके खुलो बात, आके खुलो बात। माँ कहाँ है? बेटा हम सब तुम्हारे पास हैं बेटे। बेटी भारती, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लो अब अपने चचा के हाथ से प्रसाद खाओ। ये है पड़ोसियों का धर्म पालने वाले, पड़ोसी के घर को आग लगाकर तमाचा देखने वाले, ऐसे पड़ोसी को तो गोली मार देनी चाहिए। बोल, तूने भाभी से 500 रुपए लिए थे कि नहीं? अबे अबे गधे की तरह क्या मुंह नीचे किए हुए, ऊंट की तरह ऊपर मुकर के बोल, बोलता है कि नहीं? बोलता। मैंने झूठी कसम खाई थी और भाभी ने मुझे 500 रुपए दिए थे। सुन लिया आप लोगों ने? ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। ये तो थे इनके करतूत, अब इनके करतूत मुलाहिजा फरमाइए जहां कहां रही हो। आप लोग इस हार को, मेरा मतलब है नेकलेस को, पहचानते हैं? अरे ये तो मेरा लॉकेट है भैया, जो गुम हो गया था। गुम हुआ नहीं था, गुम कर
दिया गया था और ये बंद था इनके लोहे के प्लेट में, मेरा मतलब है तिजोरी में, और गुम किया था आपकी चहेती सहेली ने। मेनका, ये लॉकेट तुमने चुराया था? जरा आंख लगाकर तो बात करो। भूल हो गई ज्योति बहन, ये भूल नहीं थी, धूल थी जो तुमने मेरी आंख में डालकर मुझे अंधा कर दिया। मुझे अपनी बहन बनाकर दुश्मन की तरह मेरे पेट में छुरी भोंकी, मुझे जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला, मेरे कान में जहर भरकर हमारे सारे घर से जान जहर जहर फैला दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मनका, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। हाँ, चलो। अच्छा दीपक, भगवान तुम्हें सुखी रखे। भाभी, हमें छोड़ करने जाओ। भाभी देखो तुम्हारे बिना घर की क्या हालत हो गई, हम तुमसे अलग होकर भाभी कभी सुखी नहीं रह सके। माफ कर दो भाभी। भाभी, हम गलत होने का शिकार हो गए थे, हमें माफ कर दीजिए। अब आप हमें छोड़कर न जाइए भाभी। नहीं ज्योति, मुझे मत रोको दीपक। हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी नसीहत करती हूँ। अगर अपने घर संसार को स्वर्ग बनाना चाहती हो तो कभी किसी की बातों में ना आना। सुखी रहो तुम, चलिए। भैया, आप भाभी को समझाइए भैया, वो आपकी बात कभी नहीं डालेगी। नहीं दीपक, ये मेरे बस की बात नहीं। भाभी, क्या तुम अपने दीपक को माफ नहीं करोगी? भाभी, हमें छोड़ कर जाओ भाभी, हम तुम्हारे घर रह नहीं सकते। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम धर्मशाला में रहोगी तो हम भी धर्मशाला में रहेंगे। तुम जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। ओफो, आजकल मकानों की बहुत कमी है, तमाम धर्मशालाएं फुल हैं, इसलिए धर्मशाला का ख्याल छोड़ दीजिए। घर का मामला है, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। उधर क्या देख रहा है, खसा किधर से? और आइंदा जो कभी इस घर में कदम रखा है ना मोटे, तो ये तेरा मटका फोड़ दूंगा। अगर पंडित जी आपको दक्षिणा मिल गई ना, तो आप भी पो हो जाइए। थोड़ा सा ये दर्द लो दीपक। भाभी, भला करने वाले भलाई की जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा।